चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम गोभी के पकोड़े बनाने जा रहे हैं। सर्दियों के मौसम में तो सबको ही पकोड़े बहुत पसंद आते हैं, फिर तो ये गोभी के पकोड़े हैं, ये सबको ही बहुत पसंद है। कैसे बनाएंगे तो आज की रेसिपी फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू रेसिपी। आधा कप बेसन ले लिया है और आधा कप से थोड़ा सा कम चावल का आटा, 100 ग्राम गोभी ले लिया है छोटे छोटे पीसेस में और पतले पतले काट लिए हैं। तो बेसन और जो चावल का आटा, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 4 चाट मसाला 1/4 कप। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, थोड़े थोड़े पानी ऐड करेंगे, एक बैटर बना लेंगे जैसे पकौड़ा का बनाते हैं। लम्स भी बैटर बनाना है, लम्स नहीं होने चाहिए, ज्यादा पतला नहीं है, आपको इसी कंसिस्टेंसी में रखना है। गोभी को भी डाल देंगे, ज्यादा पतला बैटर नहीं बना है, हाथ में ये लग रहे हैं और गोभी में भी अच्छी तरीके से इसको लगा लेंगे। आप इस स्टेज में आप इसमें और ज्यादा पानी ऐड करके भी थोड़ा सा पानी ऐड करके कर सकते हैं, बट मैं और पानी ऐड नहीं करूंगी। और आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बट आज हम बस सिर्फ गोभी के पकौड़े बनाएंगे। पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल डाल दिया था और तेल को गर्म होने देते हैं। आपके पकौड़े की क्वांटिटी के हिसाब से तेल लीजिएगा। यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है तो अब एक-एक करके पकौड़ों को धो निकाल लेते हैं। तो लो मीडियम फ्लेम में ही आपको इसको बनाना है या फिर तलना है। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको डीप फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसमें चावल का आटा जरूर डालिएगा, इससे क्रिस्पी होता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। आप इसमें चावल का आटा की जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। सकते हैं अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब ऐसे ही मैं सारे पकौड़ों को डाल लेती हूँ। इसको भी निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कितना क्रिस्पी दिख रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा जो गोभी के पकोड़े हैं वो बन के रेडी हो रहे हैं। तो पता चल जाए कि अब मैं सारे गोभी के पकोड़ों को तल लेती हूँ। यहाँ पर आवाज़ ही सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी हो रखा है, आप आवाज़ से ही पता कर सकते हैं। तो सारे गोभी के पकौड़ों को तलने के बाद मैंने इसको यहाँ पर गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व किया है। तो पकौड़ों के बाद यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म मसाले चाय भी रख ली है। गर्मा गर्म मसाले चाय के साथ पकौड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंदर से भी पकौड़े कितने अच्छे तरीके से पके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं गाइस, क्रिस्पी भी बहुत होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। आप इसको एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो यहाँ पर हमारा जो गोभी का पकौड़े की रेसिपी है बनके रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।